हेलो दोस्तों, अब आप शानदार VFX आसानी से क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे मेरी एक सिंपल वीडियो दूसरे ही कैरेक्टर में बदल गई। और अच्छी बात यह है कि इस कैरेक्टर ने पूरी तरह से ऑडियो और वीडियो का मोशन भी ओरिजिनल वीडियो के जैसा ही रखा है। लगता है कि आने वाले समय में और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है डांसिंग वीडियोस। हालांकि मुझे तो डांस करना नहीं आता, बट AI नोज, जिसका यूज करके मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे सर्च करना होगा Wiggle AI, एंड देन हम क्लिक कर देंगे इस पहली वेबसाइट पे। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ज्वाइन द बीटा पे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके मोबाइल में डिस्कॉर्ड ऐप होना चाहिए। आफ्टर दिस हम क्लिक कर देते हैं एक्सेप्ट इनवाइट पे। इतना करते ही आप आ जाओगे डिस्कॉर्ड ऐप पे। देन हम डिस्कॉर्ड ऐप में Wiggle के किसी भी एनिमेट सर्वर पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लिक कर देता हूँ Animate 1 पे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ /mix। यहाँ पे क्लिक करके हम उस इमेज को अपलोड करेंगे जिस इमेज में हम मोशन ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे जिसके जैसा मोशन हमें इस इमेज में चाहिए। बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ग्रीन। फाइन ट्यून में हम सेलेक्ट करेंगे ऑन, देन एंटर। 2000 years later। उसके बाद हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। लेट्स प्ले इट। दोस्तों, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी थंबनेल्स मैं बनाता हूं, वो मैं कैनवा का यूज करके क्रिएट करता हूं। लेकिन इस वीडियो को आप यहां पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। अब दोस्तों, इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को अपनी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर लगाने के लिए हमें ओरिजिनल वीडियो में से अपने आप को इरेज करना होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे Runway ML। यहां आने के बाद हम क्लिक करेंगे एडिट वीडियो पे, देन इन पेंटिंग पे। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम अपनी ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर देंगे। जब वीडियो अपलोड हो जाए तो हम इसे ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से आप ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद वीडियो में मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ऐसा आप किसी भी वीडियो पे कर सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट भी इंक्लूड हो गया है। इसे रिमूव करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे एक्सक्लूड और इस पार्ट को हम इरेज कर देंगे। एंड इट्स डन। सो फाइनली हम क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट पे, देन एक्सपोर्ट वीडियो पे। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। आफ्टर दैट हमने एक और वीडियो इसी सेम तरह से क्रिएट की, तो चलिए अब हम इसे एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उस वीडियो को टाइमलाइन पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे जिसकी हमने इन पेंटिंग की थी। एंड देन हम अपनी दोनों ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोस को टाइमलाइन पे प्लेस करके ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे लाइक दिस। हमारी वीडियो हो चुकी है एडिट, तो हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। क्रिएटिंग डांसिंग वीडियो। डांसिंग वीडियोस क्रिएट करने के लिए आपको Wiggle के किसी एनिमेट सर्वर में डांसिंग वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस के नीचे लिखा होगा एक्सप्लोर अवेलेबल मोशन ऑप्शंस एट Wiggle। उसी पे आपको कर देना है क्लिक। देन आपको जो भी मोशन पसंद हो उसका प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर लीजिए। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं Wiggle के एनिमेट सर्वर में। और यहाँ हम लिख देते हैं /animate। देन यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी एक इमेज अपलोड कर देंगे जो कि पब्लिकली विजिबल होगी, यानी आपकी इमेज कोई भी देख सकेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मोशन प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी किया था। बैकग्राउंड हमारा रहेगा ग्रीन और फाइन ट्यून रहेगी ऑन, देन एंटर। इसके बाद अपनी वीडियो को ढूंढने के लिए हम यहाँ पे अपना यूजर नेम टाइप करेंगे। और आपने यहाँ पे जिन भी वीडियोस को क्रिएट किया होगा वो सभी आ जाएंगी। कुछ ही मिनट्स वेट करने के बाद हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये AI जनरेटेड वीडियो कैसी लगी। और हाँ, क्या आपको बेस्ट और लेटेस्ट AI वीडियो जनरेटर के बारे में पता है? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।